नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की नीतीश सरकार पर्यावरण सुरक्षा के मामले को लेकर बेहद गंभीर है। हाल ही में 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर सीएम ने इस साल के अंत तक 5 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने की बात दोहराई थी। साथ ही साथ बिहार में पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों को भी सहयोग करने की अपील की गई थी। हालांकि सिर्फ पेड़ लगाना ही इसका कारगर उपाय नहीं है, बल्कि हम अपने आम जीवन में सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का उपयोग कम करके भी पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे में बिहार सरकार पहले ही राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने का फैसला ले चुकी है, लेकिन कोई भी काम अचानक से हो जाने पर लोगों को उसका आदी होने में समस्या भी आ जाती है। इसलिए बिहार सरकार लोगों को याद दिला रही है कि राज्य में जल्द ही सिंगल यूज प्लास्टिक के बिक्री, आयात, मैन्युफैक्चरिंग आदि को पूरी तरह से बैन कर दिया जाने वाला है। और अगर कोई व्यक्ति बिहार सरकार के इस नियम की अवहेलना करता है तो उसे कानूनी तौर पर सजा भी दी जाएगी। बिहार सरकार तो अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से अडिग है, लेकिन आपको भी पहले से ही इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए और आपका जानना जरूरी है कि आखिर कब से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने वाला है, किन किन उत्पादों पर बैन रहेगा, नियम तोड़ने पर क्या क्या सजा मिल सकती है। इसलिए इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, हम यहाँ आपके सारे सवालों के जवाब बताने वाले हैं। बिहार में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के निर्माण और उसका उपयोग करने पर बैन लागू करने की अधिसूचना इसी साल 18 जून को ही निकाली गई थी। निर्णय के मुताबिक इस साल 14 दिसंबर की मध्य रात्रि से बैन के नियम लागू हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत सजा दी जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सजा का प्रावधान 15 दिसंबर 2021 से लागू हो जाएगा। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक या थर्मोकोल से सामान बनाने वालों, थोक व खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों और फेरी वालों को 14 दिसंबर तक अपना स्टॉक खत्म करने की सलाह दी गई है। बताते चले कि सरकार के फैसले के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, थर्मोकोल से बने कप, प्लेट, ग्लास, प्लास्टिक बैनर, झंडा, सजावट की सामग्री, पानी के पाउच और पैकेट्स इत्यादि के मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही साथ इन्हें दूसरे जगह से आयात भी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही भंडारण, परिवहन, वितरण, प्रयोग और बिक्री करने पर भी रोक लगी रहेगी। जो भी इस नियम को तोड़ते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे अधिकतम 5 साल की जेल की हवा खानी पड़ सकती है या फिर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावे जेल और आर्थिक दंड दोनों सजा भी मिल सकती है। बिहार सरकार लोगों को याद दिलाने के लिए समय समय पर ट्वीट भी करके आगाह करती है। हाल ही में जनसंपर्क विभाग की तरफ से ट्वीट करके लोगों को इस बारे में याद दिलाया गया कि दिसंबर की 14 तारीख मध्य रात्रि से बैन लागू हो जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये निर्देशों को नहीं मानने वालों के विरुद्ध केस दर्ज करवा सकेंगे। ऐसे में लोग अभी से तैयारी रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का बेहतर विकल्प ढूंढें। आपको बता दें कि पर्यावरण के सुरक्षा के लिहाज से जितना कम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग हो सके उतना ही कम हमें करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता है। ये जहां तहां फेंक देने के बाद भी आसानी से खत्म नहीं होते हैं, नालियों में जाम होने से पानी निकासी की समस्या खड़ा कर देते हैं, तो वहीं मिट्टी को प्रदूषित और बंजर बना देते हैं, जिसका असर फसलों के उत्पादन में भी पड़ता है। इतना ही नहीं, सड़कों पर यूं ही फेंके जाने के कारण कई बार जानवर भी इन्हें खा लेते हैं, जिसके बाद जानवरों के जीवन पर भी कटा जाता है। वहीं इन्हें जला देने के बाद इससे निकलने वाली जहरीली गैसें वायु प्रदूषण की जिम्मेवार होती है। ऐसे में बिहार सरकार द्वारा इन पर बैन लगाकर उचित कदम ही उठाया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार को इसके लिए एक अच्छा विकल्प भी ढूंढना होगा, क्योंकि बैन होने के बाद सीधी मार इसके निर्माण और बिजनेस से जुड़े लोगों पर पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप हमें कमेंट में इस सवाल का जवाब देके जरूर बताएं कि क्या आप बिहार सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन करने के फैसले से खुश हैं या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।